जो भी जिस फील्ड से है, चाहे वो यूट्यूबर है चाहे वो रील्स बनाता है, तो उसको एक सम्मान मिलना चाहिए। जो भी छोटे और बड़े कलाकार हैं आगे जाए और उससे हमारा थोड़ा सा भी आगे नाम हो। दोस्तों नमस्कार, हमारे बीच काफ़ी सारे डिजिटल इन्फ्लुएंसर है जो अलग अलग माध्यम से इनको देखते होंगे, यूट्यूब इंस्टाग्राम पे काफ़ी ये लोग रील्स बनाते हैं और वायरल चल रहे शॉर्ट्स के माध्यम से। सबसे पहले आपसे हम बात करेंगे, आपका रत्नेश जी नाम है ना? जी जी। हाँ, आप बताइए कि जितना भी क्रिएटर है आप उसको मौका प्रोवाइड करते हैं, तो आप क्रिएटर में क्या ढूंढते हैं? देखिए, क्रिएटर जितने लोग हैं अपने अपने माध्यम से, कोई कॉमेडी बनाता है, कोई शॉर्ट सैड सॉन्ग बनाता है, कोई मतलब अपने कला से सबको इंटरटेन करता है। तो जो भी जिस फील्ड से है, चाहे वो यूट्यूबर है चाहे वो रील्स बनाता है, तो उसको एक सम्मान मिलना चाहिए। यहाँ पे जितने लोग आए हैं, कोई बनारस से आए हैं, ये मऊ से आई हैं, कहाँ से आई हैं, बलिया से आई हैं, लखनऊ से आई हैं, मैम रांची से आई हैं, तो ऐसे सारे लोग जो हैं, तो उनमें से शॉर्ट लिस्टेड किया गया है विकास सर के द्वारा कि जो अच्छे टॉप 10 क्रिएटर्स हैं उनको अवार्ड दिया जाए। जो नए क्रिएटर मान लीजिए आ रहे हैं इंस्टाग्राम पर, उसको क्या संदेश देंगे आपको, जिससे वो भी आगे बढ़ के ऐसे सम्मान प्राप्त कर सके और नाम रोशन करे? मतलब उनको यही कहा जाएगा कि वो भी इन लोग से इंस्पायर हों, जितने लोग आए हैं उन लोग का इंस्टाग्राम अकाउंट देखें, वो लोग कैसे रील्स बनाते हैं, बस उसको फॉलो करें। फॉलोअर्स बढ़ेगा, दुनिया पूछेगी। आजकल इन्फ्लुएंसर्स मतलब डिजिटल जो मार्केटिंग है वो यही चल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे, आपको सम्मानित किया गया? मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच। आप आज सम्मानित, आपको क्या गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत ये प्राउड मोमेंट लग रहा है एंड बहुत अच्छा, मतलब सर ने अपने हाथों से ये अवार्ड दिया, जो ये मेरा सौभाग्य है, तो थैंक यू सो मच। क्या संदेश रहेगा, चूँकि नया नया जो क्रिएटर अभी आ रहा है, आप लोग पहले से काम कर रहे हैं, तो क्या उसको परेशानी का सामना करना? नया नया क्रिएटर से मतलब यही है कि मतलब अच्छी वीडियो बनाए, इस लाइन बहुत बहुत अच्छा लाइन है एंड बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाए और कहीं थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे आज जैसा कार्यक्रम आया? कार्यक्रम में तो आके सभी इन्फ्लुएंसर्स को बहुत अच्छा लगा होगा, सभी से आपने बात किया और हम तो एक माध्यम है कि नए नए इन्फ्लुएंसर्स को तलाशते हम लोग, जैसे यूट्यूब हो इंस्टाग्राम हो, और वहाँ से ला करके हम लोग स्टेज देते हैं कि जो भी छोटे और बड़े कलाकार हैं आगे जाएं और उससे हमारा थोड़ा सा भी आगे नाम हो और उनका काम हो। मतलब हम एक माध्यम है, काम उन्हीं का है, माध्यम हम है। माध्यम आप है जो नया क्रिएटर मान लीजिए, तो उनको हम ढूंढ के ला रहे हैं। कैसे आपसे जुड़ेंगे? हम उनको तलाशते हैं, हम देखते हैं रील्स हो यूट्यूब हो, हम सर्च करते रहते हैं कि नया टैलेंट कौन है और हम उसको आगे लाते हैं, उसको डीएम करते हैं, मैसेजेस करते हैं, देन उनसे बातें होती हैं, देन हम उनको लाते हैं यहाँ जहाँ भी स्टेज मिलता है उनको।